गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4. एन अमाउंट ऑफ ₹35,755.20 इज गिवन टू द 13 वुमेन ऑफ गोरेला विलेज अंडर द प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेम एम्प्लॉयमेंट स्कीम. स्कीम ₹35,755.20 इतना अमाउंट 13 वुमेन्स को गोरेला विलेज की 13 वुमेन्स को दिया गया कुछ कार्य करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. ओके, सो स्टेट द अमाउंट गिवन टू ईच वुमेन. तो अमाउंट बताइए जो हर एक लेडीज़ को मिला है. मीन्स ये अमाउंट जो दिया गया ये तो टोटल मिला के बताया कि 13 लेडीज़ों के बीच में इतना अमाउंट दे दिया, पर एक एक लेडीज़ को, ईच लेडीज़ को कितना अमाउंट मिला आपको ये वो फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स वी रीड इट. सो स्टूडेंट हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ज़्यादा की वैल्यू दी और कम की फाइंड करनी है तो आपको क्या करना था, डिवाइड. सो यहाँ 13 लेडीज़ को कितना मिला है वो दिया है, पर ईच लेडीज़ को कितना मिला, हर एक लेडीज़ को कितना मिला वो नहीं दिया. तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ डिवाइड करेंगे. सो सॉल्यूशन इज अमाउंट गिवन टू 13 वुमेन. 13 वुमेन को कितना मिला, ₹35,755.20. अमाउंट गिवन टू ईच वुमेन मतलब हर एक लेडीज़ को कितना मिला, प्रत्येक लेडीज़ को ₹35,755.20 डिवाइड बाय 13. ओके, इस अमाउंट को हम 13 लेडीज से डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइड करेंगे, अब ये पॉइंट में डिवाइड है, ये सिंपल है, कुछ भी आपको टफ नहीं है इसमें. सो सबसे पहले 13 2 26. ओके, सो 5 में से 6 के सेपरेट नहीं होगा, सो हम बोरो लेंगे. सो 15 में से 6 सेपरेट किया, 9 यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 सेपरेट किया, सो माइनस क्रॉस. ओके, या तो आप 0 भी लिख सकते हैं. देन यहाँ 9, अब ऊपर से हम 7 उतारेंगे, 97. तो 13 7 91, 7 में से 1 माइनस किया 6, 9 में से 9 माइनस किया 0. ओके, 6 अब 13 के टेबल में नहीं आता, तो अगेन 5 ऊपर से उतारेंगे, 13 5 65. ओके, 5 में से 5 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0. अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो हम ऊपर से क्या उतारेंगे, 5. ओके, अब 5 अगेन 13 के टेबल में नहीं आता है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमको एक और नंबर उतारना पड़ेगा. सो हमने एक और नंबर ऊपर से नीचे उतारा है, क्या है, 2. जब हम दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो हम 0 लगाते हैं, सो हमने यहाँ 0 लगा दिया. देन 13 0 लगा दिया, और देन हमने क्या लगाया, पॉइंट, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पॉइंट है, और हमने यहाँ 5 नीचे उतार लिया था, उसके बाद हमको पॉइंट लगाना रहेगा. ओके, सो 13 4 52. 2 में से 2 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0. अब यहाँ 0 बचा, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 0 हम लगा देंगे. ओके, सो आंसर इज अमाउंट गिवन टू ईच वुमेन ₹2,750.40. मतलब हर लेडीज़ को कितना अमाउंट मिला, इतना. ओके, सुजल परचेज 5 kg राइस एट ₹45.50. मीन्स सुजल ने राइस खरीदा, कितना राइस खरीदा, उसने 5 kg, एट दी रेट रुपीज़. मीन्स इसका मतलब होता है कि 1 kg की ये कॉस्ट जो दी है, 1 kg की, और ख़रीदा कितने में, मतलब 5 kg खरीदा किस भाव में, ₹45.50 के भाव में. ओके, एंड 3 kg शुगर खरीदी कितने, ₹28.60 के प्राइस में. मीन्स ये 1 kg का है और ख़रीदा 3 kg. ओके, इफ बैलेंस अमाउंट विथ हीम इज़ ₹245.60. मीन्स अगर उसके पास बैलेंस अमाउंट, मतलब ये खरीदने के बाद बचा हुआ पैसा क्या है, ये बच गया, देन फाइंड द टोटल अमाउंट विथ हीम. तो उसके पास टोटल कितना अमाउंट था वो फाइंड करो. मतलब उसने ये राइस खरीद लिया, देन शुगर खरीद ली, और उसके पास ये पैसा बचा है, तो टोटल वो कितने पैसे मार्केट में लेके आया था, ये फाइंड करना. ओके, तो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमको 5 kg राइस की प्राइस निकालनी पड़ेगी, देन 3 kg शुगर की, क्योंकि यहाँ प्राइस क्या दे रखी है, 1 kg की, तो हमको वो निकालनी रहेगी. सो हमको अगेन मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो 1 kg की आपको पता है, 5 kg की निकालना है मोर देन 1, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. सो सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, 1 kg की राइस दे रखी है ₹45.50. सो कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस ₹45.50 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो वी गेट 227.50. मीन्स ₹227.50. ओके, देन अगेन कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, यहाँ 1 kg शुगर की प्राइस है ₹28.60. सो कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर ₹28.60 मल्टीप्लाई बाय 3, सो
3 केजी शुगर की कॉस्ट क्या है, 85 रुपीज़ 80 पैसे। क्लियर? मींस यहाँ हमको 1 केजी का पता था, मोर देन 1 का निकालना था, तो हमने 1 केजी की प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो आपका रिजल्ट आ गया। देन अब आपको पता करना है कि उसके पास कितने पैसे वो लेके मार्केट किया था, कितने रुपीस। सो हम सबसे पहले क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट उसने राइस कितने में ख़रीदा, 227 रुपीज़ 50 पैसे में। देन कॉस्ट ऑफ शुगर, शुगर है 85 रुपीज़ 80 पैसे की। ये दोनों तो उसने खर्चा जो किया वो, अब उसके पास जो पैसे बचे हुए हैं, सो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने रुपीज़ बचे, 245.60, मतलब 245 रुपीज़ 60 पैसे ये उसके पास अब बचे हैं। तो जो उसने खर्चा किया और जो बचे हुए पैसे आप ऐड कर देंगे, तो वो कितने लेके मार्केट गया था वो आपको पता चल जाएगा। तो इन तीनों को हमने ऐड करके गया तो टोटल मनी ही हेड, उसके पास टोटल मनी थे 558.90 रुपीज़। ओके, सो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 558 रुपीज़ और 90 पैसे। क्वेश्चन 6 इज कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इज ₹326.50 एंड ए ट्राउजर ₹780.60। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर। मीन्स एक शर्ट की प्राइस कितनी है, 326 रुपीज़ 50 पैसे, और ट्राउज़र की है 780 रुपीज़ 60 पैसे। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट 3 शर्ट की एंड 5 ट्राउज़र। यहाँ अगेन वही फॉर्मूला है, 1 1 की दी है, मोर देन 1 की निकालनी है, मतलब 1 शर्ट की प्राइस दी है आपको 3 की निकालनी है, 1 ट्राउज़र की प्राइस दी है आपको 5 ट्राउज़र की निकालनी है। सो सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितनी है, ₹326.50। कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट 1 की दी है आपको, 3 की फाइंड करनी है, सो ₹326.50 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 शर्ट की कॉस्ट आपकी आ गई ₹979.50। अब हम ट्राउज़र की निकाल लेंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउज़र ₹780.60, कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउज़र ₹780.60 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या मिला, हमें ₹3,903.00। मीन्स आपकी 3 शर्ट एंड 5 ट्राउज़र की कॉस्ट पता चल गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, दोनों की टोटल कॉस्ट, सो हम वो फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट ₹979.50, कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउज़र ₹3,903.00, और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिला ₹4,882.50। मीन्स आंसर में टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ₹4,882.50।